जनपद बदौक की तहसील सहसवान विभाग का बस अड्डा बना कूड़ेदान, घर और तालाब। आपको बता दें कि जनपद बदौक के तहसील सहसवान में परिवहन विभाग का बस अड्डा बना हुआ है। परिवहन निगम के बस अड्डे पर लगभग 15 वर्ष से रोडवेज परिसर में बस नहीं आती है। परिवहन निगम का बस अड्डा कूड़ेदान घर बन गया है। यहाँ पर मार्केटिंग एवं दुकानदारों द्वारा कूड़ा करकट इकट्ठा कर रोडवेज परिसर में फेंका जाता है। दिन और रात भर शराबियों और जुआरियों आदि लोगों का जमघट लगा रहता है। बरसात के मौसम में बरसात के पानी से रोडवेज परिसर तालाब का रूप ले लेता है, जिससे कूड़ा करकट आदि पड़ने से कई बीमारियां पैदा हो सकती है। नगर वासियों का कहना है कि रोडवेज बस अड्डे पर वर्षों से बस नहीं आती है। परिवहन निगम की बस रात को यात्रियों को सहसवाजपुर अकबरवादपुर में चौराहे पर उतार कर चली जाती है। रात के समय ई रिक्शा टेम्पो यात्रियों को घर तक पहुँचाने का से 3 से 4 गुना तक रुपये तक किराया वसूलते हैं। परिवहन निगम के अधिकारियों का सहसवान रोडवेज बस अड्डे पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। अब देखते हैं कि इस खबर का प्रशासन और परिवहन निगम के अधिकारियों पर क्या असर होगा कि नहीं। नाजिर खां की एक खास रिपोर्ट। आज हम बदायूं जनपद की तहसील सहसवान के रोडवेज बस स्टैंड का हाल का नज़ारा दिखाते हैं। यहां पर आवारा पशु, आवारा जानवर एवं तमाम तरह के शराबी, जुआरी, कबाबी यहाँ पर आते हैं और रोडवेज में इधर उधर के दुकानदारों द्वारा कूड़ा करकट आदि डाला जाता है। तालाब का रूप ले रखा है यहाँ के रोडवेज बस स्टैंड ने। देखिए, हमारे सहसवान के एक जानी मानी जगह हुआ करती थी, करोड़ों की लागत से बना जो रोडवेज आज खंडर का रूप ले चुका है। हाँ, बन रही है? नहीं बन रही है?